आज हम जिस वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है दुनाली पार्ट थ्री। पार्ट थ्री की स्टार्टिंग होती है पार्ट टू के एंड सीन से, जिसमें अंकल समीर को अलग अलग औरतों के घर में जाता हुआ देखते हैं। वहीं राधा और विनय समीर के थ्रू पैसे कमाने का प्लान आगे बढ़ाते हैं और ऑनलाइन ऐड देते हैं। उधर साक्षी अभी भी रोहन से नाराज़ होती है। रोहन उसे मनाने के लिए उठक बैठक भी करता है, जिस पे साक्षी मान जाती है। रोहन जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ रिया को देखता है। रिया रोहन से कहती है कि समीर पहले तो रोज़ उसके पीछे पीछे घर तक आता था, लेकिन अब वो कई दिनों से गायब है। फिर रिया रोहन के कंधे पे सिर रखकर रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ साक्षी आ जाती है, जो रिया को रोहन के साथ ऐसे देखकर फिर से गुस्सा हो जाती है। रोहन समझाने की कोशिश करता है कि रिया समीर की जीएफ है और उसको ही मिलने आई थी। बाद में हम समीर को देखते हैं जो कि वापस घर आता है और रोहन उसको बताता है कि उसको ढूंढने रिया यहाँ आई थी। समीर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। वहाँ राधा एक कस्टमर से बात करती है और वो कस्टमर से कहती है कि वो उसके लिए एक यूनिक चीज़ भेज रही है। नेक्स्ट सीन में हम अंकल को एक होटल रूम में देखते हैं, जहाँ वो एक रूम बुक करवा के अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। वहीं समीर रिया को गार्डन में देखता है और उसको मिलने जाता है, लेकिन रिया उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ होटल में अंकल की वाइफ को हम गुस्से में देखते हैं, क्योंकि अंकल फिर से उसकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाता है और अंकल कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वहीं समीर उदास होकर राधा और विनय के पास आता है। राधा उसको उदास देखकर कहती है कि आज उसको किसी भाभी या ओल्ड एज आंटी के पास नहीं, बल्कि अपने साथ की लड़की के पास जाना है, और वो उसको एड्रेस सेंड कर देती है। समीर जब उस एड्रेस पे पहुँचता है तो साक्षी डोर ओपन करती है। साक्षी समीर को देखकर समझती है कि उसको रोहन ने भेजा है, लेकिन समीर यहाँ कहता है कि नहीं, रोहन ने उसे नहीं भेजा। फिर साक्षी को राधा का कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि समीर उसके एड्रेस पे पहुँच गया है। फिर साक्षी समीर को बताती है कि उसने ही राधा को कॉल करके लड़के को भेजने को कहा था, क्योंकि रोहन उसकी जीएफ के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा था। समीर को इस बात पे यकीन नहीं होता। तभी साक्षी के पास रोहन और रिया दोनों आते हैं और उसको समझाते हैं। समीर को वहाँ देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ साक्षी रिया और रोहन को समीर अपना सच बताता है। सब समीर से सैंपथी शो करते हैं। तभी समीर को राधा का कॉल आता है और वो उसको एक कपल के पास जाने को बोलती है। समीर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। हम देखते हैं वो अंकल और उसकी वाइफ के पास आया है, लेकिन समीर दोनों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि दोनों ने ही मास्क पहना होता है। समीर यहाँ अंकल की वाइफ के साथ इंटीमेट होता है और उसकी वाइफ इंटीमेट होने के बाद अंकल को समीर के बारे में बताती है। वहीं राधा को विनय का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है कि उसको हवाला के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और छोड़ने के लिए 5 लाख मांग रही हैं। राधा समीर से हेल्प मांगती है और समीर राधा से कहता है कि हवाला का केस पुलिस के पास नहीं जाता है, जरूर उन्हें फंसाने के लिए ये एक चाल है। वो राधा को फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ से भागने को बोलता है। इधर रोहन साक्षी के घर जाता है, जहाँ रिया और साक्षी एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रही होती हैं। रोहन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद समीर भी वहाँ आ जाता है और वो रिया को समझाता है कि उसे कितना प्यार करता है, लेकिन जब रिया नहीं समझती तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद समीर साक्षी और रिया दोनों से कहता है कि सच्चे प्यार का कोई नहीं समझता। वो साक्षी से कहता है कि मुझे बहुत लड़कियां मिल जाती, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां हूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। फिर साक्षी रोहन को गले लगाकर रोने लग जाती है और उसे माफ़ी भी मांगती है। वहां समीर के पास रिया आकर उसको लव यू बोलती है और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म।